इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक की लाइफ में हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की। टू हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, द वन हु आर मैरिड, उनके लिए अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। क्लियर? तो हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशन है, दो कर्तव्य है लाइफ में। पहला कर्तव्य है आपका आपकी फैमिली की तरफ, आपके पेरेंट्स, आपकी जो भी है बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, हर किसी के लिए एक ऑब्लिगेशन है। दूसरा कर्तव्य ये होता है आपकी कंट्री, उस कंट्री के लोगों के लिए। क्लियर? इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक इंसानियत वाली, एक ह्यूमैनिटी फील्ड अगर कोई सोसाइटी होती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर इंसान जो है इस ह्यूमैनिटी फील्ड, इस बोल सकते हो सिविल वर्ल्ड में, हर एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है बहुत अच्छे से, अगर उसका इंक्लिनेशन, झुकाव जो है और उसकी जो एबिलिटीज हैं वो बिल्कुल करेक्टली हो। ठीक है, उसका कितना झुकाव है किस ऑब्लिगेशन की तरफ, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो किस तरीके से इन्हें बैलेंस कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन जो है इन ऑब्लिगेशन की तरफ किस तरीके से बोल सकते हो फुलफिल करता है इन ऑब्लिगेशंस को। क्लियर? एक हमने डेफिनेशन दी है, इंक्लिनेशंस का मतलब नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो मैंने बोला झुकाव, यानी कि जो एक होता ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो हो अपने मम्मी पापा के साथ हो और एक फ्रेंड है, अगर आपको कोई चूज करना हो किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली मम्मी पापा को चूज करोगे, राइट? क्योंकि आपका इंक्लिनेशन उनकी तरफ है। तो जो झुकाव होता है, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर है वो, और जो एबिलिटी है किसी इंसान की, वो बताती किस तरीके से आप ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हो। तो दो ऑब्लिगेशंस क्या है वो यहां पर हमें पता चल गया। ऑल राइट, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। बट एक ऐसे इंसान के लिए जो साउथ अफ्रीका में प्रेज जो है बर्थ लिया हो जिसने, ठीक है, दूसरी बात वो कौन हो, वो सेम कलर या रेस का हो जो कि नेल्सन मंडेला, यानी ब्लैक पीपल जो उस वक्त कहा जाता था, अगर वो है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, यानी ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली एंड ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री, दोनों को फुलफिल करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन जो कि साउथ अफ्रीका में बर्थ लिया हो जिसने, विच हैज यू नो द सेम रेस एंड कलर एज नेल्सन मंडेला। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में अगर कोई भी इंसान, man of color यानी black people, ठीक है, तो जो different race या color जिस पर discrimination होता था, अगर उस color के इंसान ने कोशिश की एक normal इंसान की तरह रहने की, तो उस इंसान को या तो punish कर दिया जाता था या isolate, यानी हमेशा के लिए बोलते ना, हटा दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था। तो वहां पर इस तरीके से normal इंसान की तरह इन obligations को fulfill करना बहुत ही मुश्किल था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. अगर किसी भी इंसान ने साउथ अफ्रीका में, जबकि बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि कोशिश की अगर अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने की, तो फिर उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। यानी एक ऑब्लिगेशन को अगर फुलफिल करो तो दूसरी ऑब्लिगेशन से आपको क्या बोलेंगे, हटाई दिया जाएगा दूसरी जगह से। And was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और उस इंसान को जो है अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता था कि खुद अपनी जो है life जियो, with what? Inevitably, unavoidably, यानी कि unavoidably उसको जो है बिल्कुल कोशिश भी करें ना तो भी आपको वहां से हटा दिया जाता था। With that rebellion आप जियो, वो जो आग है आपके अंदर, वो जो बोलते हैं एक violence है आपके अंदर कि यार ये गलत हुआ, इसके खिलाफ मुझे लड़ना है, उसके साथ अब अकेले रहो। यानी अगर आप एक obligation के खिलाफ fight करते हो तो दूसरी जगह से आपको हटा दिया जाता था, right? You were isolated. Clear? All right.
I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. क्या लिखा है कि भाई दो obligations होते हैं, आप अगर एक obligation को fulfill करते हो तो दूसरे obligation की तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते, right? तो यहाँ पर पहले तो बोल रहे हैं Nelson Mandela कि कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं अपनी family की जगह जो अपनी country के लोग हैं उनको ऊपर रखूँ, राइट right? बट धीरे धीरे मैं ये समझा कि जैसे ही मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने लगा, मैं उनके सपोर्ट में कुछ कर रहा था, वो ऑब्लिगेशन निभा रहा था, तो क्या हुआ, मुझे वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया मैं जो मेरी फैमिली के लिए था, जो एज अ सन यानी मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, एज अ ब्रदर मैं अपने सिबलिंग्स के लिए नहीं कर पाया कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल, अ फादर मेरे बच्चे के लिए जो भी Nelson Mandela के बच्चे थे, डॉटर की बात हुई है, एंड हस्बैंड और मैं अपनी वाइफ के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था. यानी यहाँ पर जो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात हुई थी वो Nelson Mandela क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैंने लोगों के लिए अपनी कंट्री के पीपल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना चालू करी फुलफिल, तो फिर मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था. क्लियर? ऑलराइट. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं कभी भी इस तरीके से पैदा नहीं हुआ था कि भाई मुझे ना वो भूख वो हंगर थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए. ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न, यानी धीरे धीरे वो सीखे होंगे. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. क्या बोला, देखो बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जब पैदा हुआ था तब ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना, यही चीज मैं सोचता रहता था, बल्कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, मुझे हर टाइप की फ्रीडम थी. पहली फ्रीडम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मेरी मदर की जो हट थी, जो झोपड़ी थी, वहां पर मैं पूरी फील्ड में फ्रीली दौड़ सकता था, घूम सकता था अपनी मर्जी से, तो मेरे पास वो फ्रीडम थी. नेक्स्ट फ्रीडम क्या थी, फ्री टू इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू स्विम, जो भी क्लियर स्ट्रीम थी, जो पानी था, झरना था, वहां पर मैं फ्रीली स्विम कर सकता था. नेक्स्ट, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड आइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, राइड ऑन द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. तो मैं जो हूँ आसमान के नीचे बैठ के कुछ भी कर सकता था, मैं बुल्स जो होते हैं, तब विलेजेस में बुल्स ही होते, राइड, उस पर बैठ के फ्रीली मैं राइड कर सकता था, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रीली कर सकता था. यानी आई वॉज बॉर्न फ्री. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब तक मैंने अपने फादर के लॉज यानी मेरे पापा जो बोलते थे मैं वो मानता था, I abided by the laws, और जब तक मैं अपनी ट्राइब यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ की जो ट्राइब थी, जो भी कल्चर था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता था तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, आई वॉज नेवर ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. यानी कि मैं जो हूँ वो फ्री ही था, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए. बचपन से मुझे हर एक चीज़ की फ्रीडम थी, जब तक मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने ट्राइब के रूल्स जो हैं वो फॉलो करता था. क्लियर? ऑलराइट. डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर कमेंट्स, क्वेरीज और क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.